नमस्कार, मैं कानपुर से सुनीता श्रीवास्तव बुंदेलखंडी रेसिपी जिसको कि फरा और बुंदेलखंड में उसको पनडुब्बा बोलते हैं वो रेसिपी बनवा रही हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं उसमें हमारे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। या पनडुब्बा की रेसिपी को बनाने के लिए हमें चने की दाल चाहिए, तीन चार घंटे की भीगी हुई होनी चाहिए। साथ ही इसमें जो है मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा एक चम्मच और हींग और ये सॉल्ट। इसके साथ ही इसको चने की दाल को हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे, उसमें सब सामग्री डाल के। अगर लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो डालिए, नहीं तो बगैर उसके भी बहुत अच्छा बनता है। और इसके साथ ही इसको हमने इस तरह से मिक्सी के जार में पीस लिया है और आटे का एक डो, जिसको कि नॉर्मल आटा हम लोग बनाते हैं उस तरह से, इसमें केवल नमक डाल के आटे का डो बना लिया है। अब आगे इसको कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अब हमने इसमें से एक छोटी सी लोई लेंगे, इसको हम बेल लेंगे। बहुत मोटा नहीं बेलना है इसको, हमें थोड़ा पतला बेलना है। तो इसको ऐसे पतला रोटी की तरह बेल लेंगे। इसके बाद ऐसे हमारी ये रोटी बन गई। अब इसमें हम अपने ये चने की दाल जो पीस के रखी थी इसकी फिलिंग भर के इसका एक रोल बनाएंगे। कुछ लोग इसको पानी में उबालते हैं, लेकिन पानी में उबालने से कभी कभी पानी फरा के अंदर घुस जाता है तो थोड़ा टेस्ट कम अच्छा आता है। तो इसलिए हम लोग जो है इसको पानी में ना भर के इसको स्टीम करेंगे। इस तरह से अब हम इसको ऐसे रोल बना लेंगे। ये हमारा ऐसे रोल बन गया। और इधर देखिए, हमने पानी गर्म करने के लिए स्टीमर अपना चलाया हुआ है और इसमें हमने थोड़ा सा पहले से बना के दो रखे हुए हैं, जिससे कि अब आपको हम जल्दी से इसमें कैसे बनता है दिखा सके। तो ये अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये हमारे बन गए हैं स्टीमर, वैसे निकाल लिया हमने इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा स्टीमर में जिस बर्तन में बना रहे हैं उसमें हल्का सा ऑयलिंग करके बनाना है, नहीं तो हमारा चिपक जाता है। अब हमने जो ये रोल बनाया था इसको हम इसमें इस तरह से लगाते रहे। इसको हमें थोड़ा मीडियम आंच पे 10 मिनट एक साइड से, 10 मिनट दूसरे साइड से इसको पकाना है। देखा था कि हमने ये हमारे दो स्टीम करे हुए फरा रेडी है। इसको हम थोड़ा तिरछा या जैसे मन चाहे डिजाइन में आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं। तब तक हमने अपना एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है। ये देखिए इस तरह से, इसमें हमारा पानी कहीं भी नहीं जाता, तो इसलिए ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और चाहे तो आप पानी में उसको बॉईल करके भी बना सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अपना ये ऑयल हमारा रेडी हो गया है। सबसे पहले हम इसमें अपना राई डालेंगे। ये देखिए गैस ऑन कर ली हमने, राई डाली। इसी में हम अपना करी पत्ता डालेंगे। ये देखिए इस तरह से एक दो हमने अपने खड़े मिर्च डाल दिए। ये हमने अपने करी पत्ता डाल दिया। और इसमें हमने अपने जो कट किए हुए फरे हैं वो हमने इस तरह से इसमें अपने डाल दिए। अब इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर हमने इसको करी पत्ते से और उससे राई से किया है तो ये हमारे दो डिश को मिलके बन गया है। ये हमारा हो गया है, क्या कहते हैं ये, हम अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग के लिए हम जो फ्राई किए हुए फरे थे उनको अपने प्लेट में सेट कर लेते हैं। इसके साथ ही हमने ग्रीन चटनी और मीठी चटनी दोनों को जो है इसके साथ सर्व करेंगे। आपको जो पसंद हो उस चटनी से इसको खा सकते हैं। और ये देखिए हमारे फरे बन के रेडी हो गए हैं और इसको आप लोग भी एक बार ट्राई करिए। और स्टीम में बनाएंगे तो ये ज्यादा अच्छे बनेंगे। और जो है अगर आप चाहें तो पानी वाले जो बनते हैं वो भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो चलिए मैं एक टेस्ट करके आपको दिखा देती हूँ ये गरम गरम कैसे लग रहे हैं खाने में। वाओ, वेरी यम्मी। तो फिर थैंक यू।